एंड वेलकम टू सी यू टी बाय सुपरग्रेड्स। एक बात बताओ मेरे को, अगर हम लोग दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिला दें तो क्या हम ये पता कर पाएंगे कि केवल एक कंपोनेंट के कारण कितना वेपर प्रेशर बन रहा है? आज हम इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक कंपोनेंट क्या वेपर प्रेशर देगा। तो बेटा, आज जो कवर करने वाले टॉपिक जल्दी से नजर मार लेते हैं, वो है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल वोलेटाइल और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। अब आप लोग कहोगे, सर बहुत बार वोलेटाइल वोलेटाइल बोल लिया, ये वोलेटाइल वोलेटाइल क्या है? ये वोलेटाइल वोलेटाइल, बेटा वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर फॉर्मिंग, यानी कि मान लो हमारा जो चिराग को घिसेंगे तो जो झिल्ली का धुआं निकला ना, वही आपका वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है। तो वोलेटाइल कॉम्पोनेंट क्या करते हैं? वो वेपर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जब जब मैं वोलेटाइल बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा, तो ये वेपर बना लिया, ठीक है। चलो अब बेटा इसके आगे बढ़ें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि सर आखिर ये वेपर प्रेशर होता क्या होगा। पता है हमारी केमिस्ट्रियां बहुत आसान थी है, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो बोलता है वही होता है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर। लेकिन अगर आप ये अपनी मैडम को या टीचर को बोलोगे कि वेपर का जो प्रेशर है वही वेपर प्रेशर है, तो वो आपको डांट देंगी कि नो 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 नो, दिस इज नॉट रॉन्ग, ओ दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। जैसे वो नहीं ना थ्री इडियट में, अरे कहना क्या चाहते हो, वैसा वाला ही। उनको रट्टाफिकेशन की डेफिनेशन चाहिए जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, ध्यान दो। प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन अ सरफेस, जब हम गर्म करते हैं कोई भी पतीले में पानी वानी गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर थाली ढक देते हैं, उसी थाली पर तो वेपर का प्रेशर लगता है ना। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन अ सरफेस एट अ गिवन टेम्परेचर व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, यहां दे कौन है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, यही है। मतलब मैं तुम्हें गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। अब बेटा बहुत बहुत साक्षात प्रणाम हो हमारे राउल्ट जी को, इनके कारण ही है भैया जो हम ये राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं। और नो डाउट इन्होंने सॉल्यूशंस की दुनिया में बेटा तहलका मचा दिया था अपना लॉ देकर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मान लो एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, तो भाई मैं जब ए को बॉइल करूंगा तो यहां वेपर प्रेशर किसके बनेंगे? ए के बनेंगे। तो मैं इसको कैसे डिनोट कर रहा हूं? पी नॉट ए, नॉट का मतलब है प्योर स्टेट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अब वहीं अगर मैं बी को बॉइल करूंगा तो वेपर बनेंगे बी के, है ना, वेपर प्रेशर बनेगा बी का। तो मैंने यहां क्या बोला बेटा, पी नॉट बी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। अब मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं गया, मैंने उठाकर इन दोनों को मिला दिया। मैंने कहा आ जाओ बेटा तुम इधर, ठीक है, उठाकर दोनों को मिला दिया। अब मैंने इसको बॉइल करा, अब यहां पर तो ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर बनेंगे, तो पार्शली ए अपना वेपर प्रेशर लगा रहा होगा और पार्शली बी वेपर प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहां पर हम वेपर प्रेशर टर्म का यूज ना करते हुए क्या टर्म यूज करेंगे? पार्शल प्रेशर, ठीक है। तो अगर ए का निकालना हो तो बेटा पी डैश ए मतलब पार्शल प्रेशर ऑफ ए, अगर बी का निकालना हो तो पी डैश बी मतलब पार्शल प्रेशर ऑफ बी। अब राउल्ट्स लॉ यही खेल खेलता है, वो आपसे बोलता है कि भाई साहब अगर ये जो मिला दिया मैंने, अगर मुझे इसमें निकालना है केवल ए कितना पार्शल प्रेशर लगा रहा है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो बेटा राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट रटना नहीं है, यही समझेंगे और उसी को बोलेंगे। देखो ये किसका साइन था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो भाई प्रोडक्ट है ना, तो फिर से बोल रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बता रहा हूं। देखो ये किसका साइन है भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी is equal to the product of vapor pressure of B in pure state and mole fraction of B। मतलब total pressure जो होगा वो इन दोनों के कारण ही बनेगा ना भैया। तो P total हो जाएगा P dash A
प्लस पी डैश बी। अब यहां पर आप देख लो क्या हो जाएगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब इन इनकी वैल्यूज रख दो बेटा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैं ये पढ़ा चुका हूं या हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन जो है उसका सम 1 के बराबर आता है, मतलब मैं एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इस एक्स बी की जगह मैंने 1 माइनस एक्स ए लिख लिया, ठीक है। अब इस पी नॉट बी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये बेटा पी नॉट बी एक्स ए एक्स ए एक्स ए टर्म्स एक एक साथ है, कॉमन है, निकल सकता है, ले आओ एक साथ। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए बाहर प्लस पी नॉट बी। ये आ गई आपके रॉल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन। अब आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। पहले इक्वेशन क्या आई, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब बताए बेटा, ग्राफ के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे ये ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ठीक है। यहां पे y क्या होगा, y होगा बेटा क्वांटिटी ऑन y एक्सेस, m होगा बेटा स्लोप, x होगा क्वांटिटी ऑन x एक्सेस, और c जो है बेटा वो इंटरसेप्ट है y एक्सेस पे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ग्राफ बनाकर दिखा दोगे क्या, नेकी और पूछ पूछ आ जाओ। देखो ये रहा ग्राफ भाई, y एक्सिस पे क्या था, p टोटल, यहां ध्यान दो, y एक्सिस पे क्या था, p टोटल, ठीक है। x एक्सिस पे क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ a, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ a। तो बेटा x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ a है तो वहां पर तो बेटा इंटरसेप्ट जीरो होता है, तो एक्स ए को मैं जीरो मान लूं। अब किसी कुछ दूरी अब चलने पर एक्स ए को मैं यूनिटी मान लूं, मतलब एक्स ए भर भर के डाल दिया। अब केवल अगर एक कंपोनेंट ए ही है तो जो उसका वेपर प्रेशर बनेगा वो बनेगा पी नॉट ए प्योर स्टेट में। सिमिलरली जहां मैंने एक्स ए को 1 माना है वहां एक्स बी को आप मान लो 0 और यहां मान लो एक्स बी को 1। क्यों, क्योंकि हमें सी जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे वो क्या चाहिए था, वो चाहिए था हमको पी नॉट बी, है ना। तो जब मैंने ये माना तो यहां पर वेपर प्रेशर किसका बनेगा, पी नॉट बी का, और इन दोनों का ही डिफरेंस होगा हमारा स्लोप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। कोई डाउट है ना। अब यहां पर हमारा राउल्ट्स लॉ खत्म हो गया फॉर वोलेटाइल वोलेटाइल। अब बारी है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर प्रेशर नकोरे बाबा नहीं बनाएगा, मतलब बेटा मान लेता हूं मेरा ए है नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, और बी था मेरा वोलेटाइल लिक्विड। तो जो नॉन वोलेटाइल है उसके लिए वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर स्टेट में, जीरो, और ये कुछ ना कुछ पी नॉट भी लगाएगा। टोटल प्रेशर अगेन क्या होगा बेटा, पी डैश ए प्लस बी डैश बी के बराबर, उनकी वैल्यू रख दो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए तो यहां पे जीरो था तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, जीरो। मतलब इस हमारे बीकर में जो भी टोटल प्रेशर आ रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा, पी टोटल पी नॉट बी एक्स बी के बराबर, और एक्स बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। या मैं एक्स बी को लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए के फॉर्म में, अभी हमने देखा था, ठीक है। अब बेटा बार बार मैं पी टोटल क्यों बोलूं, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन जो है उसमें केवल एक कंपोनेंट को तो हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसको पी एस बोल देता हूं, और पी नॉट बी चूंकि वेपर प्रेशर केवल एक कंपोनेंट ही बना रहा था उसको मैं पी नॉट मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस एक्स ए। अब बेटा पी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स ए, इस माइनस पी नॉट एक्स ए को इधर लेके आओगे, यहां माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और ये पी एस वहां पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पी नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, और एक्स ए को निकालना है तो इसको नीचे कर दो। और बच्चों ये आ गई आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, डेरिवेशन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप यही लगाना, आप यही लगाओगे आपको बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस रूप में भी ले जा सकता हूं अपने फॉर्मूले को। कैसे,
मैं एक्स ए को लिख सकता हूं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा, और चूंकि डिनोमिनेटर सेम था तो उसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, एन ए एन ए कैंसिल करके बना रहा है, ये उल्टा करूंगा तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा। इस वन को वहां भेज दूं तो यहां प्लस में था वहां माइनस हो जाएगा, जैसे ही माइनस होगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन, बेटा ये डिनोमिनेटर इसको कॉमन ले लूंगा, जैसे एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा कट जाएगा पी नॉट, तो फाइनल क्या आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज टू एन बी अपॉन एन ए। आप चाहो इसको वापस रिवर्स करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। एन ए क्या है, एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। सिमिलरली एन बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। यहां पर ए क्या है सॉल्यूट और बी क्या है सॉल्वेंट, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन सजेशन दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि बच्चों जब भी आप सॉल्यूशंस में न्यूमेरिकल्स करें तो न्यूमेरिकल्स में आप इसी को ही फॉलो करें, ठीक है। तो बेटा इतनी सी थी हमारे प्यारे से राहुल सर की बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ढेर सारे वीडियो लेके आने वाला हूं जिससे हम सॉल्यूशन को ना सॉल्यूशन बना देंगे। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।